नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विवेक। ये है कश्मीर की 26 वर्षीय युवा कैलीग्राफर शाफिया शाफी, जिन्होंने साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, लेकिन ये इस वक्त कश्मीर के सबसे अमीर कला सुलेख को पुनर्जीवित करने के लिए अपने मिशन को अंजाम दे रही हैं। हाल ही में इन्होंने अपनी बचपन की प्रवृत्ति का पालन करने का फैसला किया और कला सुलेख के लिए अपने जुनून का एक अनुवाद किया। शाफिया से कई लोगों ने अब मिट्टी के बर्तनों और संगीत वाद्य यंत्रों पर सुलेख यानी कि अपनी कलाकारी को चित्रित करने के लिए भी कहा है। यही वजह है कि अब उनके बचपन का सपना धीरे धीरे एक व्यावसायिक उद्यम में बदल गया है। शाफिया अब ऑर्डर भी लेती हैं और ऑन डिमांड अपनी कलाकृति देने भी लगी हैं। भले ही कई क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति ज्यादा सहिष्णु होने का इतिहास है, लेकिन शाफिया किसी तरह से पुरुष पितृ सत्ता का सामना कर रही हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में उन्होंने कुछ पेंटिंग्स बनाई हैं, जिसमें उन्होंने खुद को व्यक्त करने की कोशिश की। सुनिए उन्हें। Yeah, I speak through my paintings. I express myself through this medium. So, मैं पेंट करती हूँ खुद के इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए। कुछ लोग होते हैं काफ़ी सेंसिटिव, जो मतलब वर्ड्स के थ्रू बोल नहीं पाते, लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते। सो, मैं भी एक वैसी ही लड़की रही हूँ और मैं इन्हीं चीज़ों के थ्रू खुद को एक्सप्रेस करती हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था, मतलब यूनिवर्सिटी डेज थे, तो मैं पेंट करती थी और लोगों को मतलब वो उसको पॉजिटिव वे में नहीं लेते थे, क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट काम था मेरा। लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स आते थे पोस्ट पे, लेकिन फिर जब काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों को पॉपुलर होने लगा ये चीज़, या मुझे लोग देखने लगे, उनको समझ आया कि ये खुद को एक्सप्रेस करती है इस काम के थ्रू, उनका वो एटीट्यूड चेंज हुआ, पॉजिटिव कमेंट्स आने लगे, काफ़ी ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करने लगे। आई वॉज वर्किंग इन अ स्कूल फॉर पास्ट 1 ईयर, लेकिन कोविड की वजह से वहाँ जॉब छोड़नी पड़ी, तो उन्होंने स्टाफ हाफ कर दिया अपना, सो वहाँ जॉब छोड़नी पड़ी। लेकिन उसके बाद व्हेन आई वॉज इन होम और मैं इस चीज़ को लेके पॉन्डर कर रही थी कि अब जॉब भी नहीं है, मैं क्या करूँ, सो एवरीबडी देयर वॉज लाइक तुम तो इतना अच्छा काम करती हो, तुम्हें जॉब की थोड़ी कोई ज़रूरत है। सो दैट काइंड ऑफ टर्न ट्रू और मैं अपने पेज के थ्रू ऑर्डर्स लेने लगी। सो ये अचानक से एक बूस्ट हो गया, मैं कैलीग्राफी के ऑर्डर्स लेने लगी या पोर्ट्रेट्स के ऑर्डर्स आने लगे। सो कोविड में मेरा काम मुझे लगता है काफ़ी बूस्ट अप हुआ। उन्होंने बताया कि उनके शिक्षक और दोस्त ने उनके इस काम की तारीफ की, वहीं समाज में लड़कियों और महिलाओं को लेकर कैसी धारणा है उन्होंने इसके बारे में भी अपनी कला के जरिए बखूबी समझाया है। उनकी पेंटिंग्स में सामाजिक वर्जनाओं, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, लिंग शोषण को दर्शाया गया है, जो महिलाएं आमतौर पर नहीं बोलना चाहती। मुझे ये पेंटिंग इसलिए पसंद है, ये बहुत सिंपल सी पेंटिंग है, आप देख रहे होंगे एक लड़की है और इसको ऊपर से दो हाथ है जो इसको चला रहे हैं, मतलब ये एक पपेट है, जैसा हमारी सोसाइटी में देखा गया है लड़कियों को कैसे ट्रीट किया जाता है, उनको कितना प्रेशराइज किया जाता है, उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है, जो उनमें पोटेंशियल होता है उसको देखने नहीं दिया जाता है। सो ये एक उसका एक एक्सप्रेशन है, आप इसको किसी भी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसकी ब्यूटी ही यही होती है कि हर कोई इंसान इसको अपने नज़रिए से देखता है। सो मैं इसको इस नज़रिए से देखती हूँ। शाफिया शाफी ने अपनी शक्तिशाली कला के जरिए इन मुद्दों पर भी लोगों का ध्यान खींचने का काम किया है। एक महिला होने के नाते उन्होंने इस संघर्ष के बारे में सोचा है। आज भी कला के प्रेमी इनकी कलाओं को देखना और खरीदना पसंद करते हैं और एक सभ्य वर्ग जो इस कला का सम्मान करता है वो इन्हें इनकी कला की सम्मानजनक राशि भी देता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।